नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं दौरिया टाइम्स। रुक करते हैं जयपुर की ओर। जयपुर आवासन मंडल के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आज नगर जयपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण हम देख रहे हैं। सामुदायिक केंद्र में हॉल और दो स्टेज, कमरे, किचन, स्टोर और इसके बाद अगला मुख्यमंत्री महोदय अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार समारोह की अध्यक्षता करेंगे हमारे माननीय मंत्री नगरीय आवास श्री शांति कुमार धारीवाल जी, श्री महेश जोशी जी मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा। आप रही आइए प्रकाश के पुंज दीप की पंचायत सुनिए। आओ फिर से दिया जलाए भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह जलाकर बुझी हुई बाती सुलगाए। कई बार जाते हैं कार्यक्रम में, कुछ कार्यक्रम लिख चेट के होते हैं। आज के कार्यक्रम भी 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य के अंदर स्वर्गीय श्री द्वारकादास पुरोहित जी संस्थान के अध्यक्ष थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, आजादी जंग में हिस्सा लिया था। 42 का जो आह्वान था गांधी जी का, भारत छोड़ो, तब भी भाग लिया, जेलों बंद रहे और फिर राजस्थान जयनारायण दास जी के सानिध्य में जितने लोग लगे हुए थे, ये तो शानदार इतिहास है राजस्थान का। माणिकलाल वर्मा जी थे, हीरालाल शास्त्री जी थे, मथुरास माथुरी थे, बहुत लंबे फौज थी, बारे बंधु थे, रामनाथ चौधरी जी थे, उनके परिवार था, अजमेर थे, हर संभाग से फ्रीडम फाइटर्स की लंबी लिस्ट है जिन्होंने कोई कमी नहीं की। द्वारकादास पुरोहित जी को बाद में जब पहला संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया, उसके पहले जो कमेटी बनी, तब जो रिकमेंडेशन दी गई कि किस प्रकार से हर व्यक्ति को आवास मिल सके, उन भावना के साथ में मैंने काम शुरू किया। 50 वर्ष का अर्थ में कम नहीं होता, और सहयोग से मेरी राजनीतिक जीवन की यात्रा भी उस वक्त ही शुरू हुई। दशक के अंदर और मैं बचपन से जानता था द्वारकादास पुरोहित जी, क्योंकि मेरे पिताजी वहां नगर परिषद के अध्यक्ष रहे कई बार, और द्वारकादास पुरोहित जी भी वहां पार्षद भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, और मैं उस वक्त से देखता था। अभी तक मुझे चेहरा मुझे याद आता है, हाउसिंग बोर्ड बना ही था तब से मैं देख, इतने लगाव रहा हमेशा इस संस्था से मेरा।